केकेआर के खिलाफ मिली हार के बाद भड़के महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजों को लेकर के दे दिया है बड़ा बयान। जानेंगे इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 144 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए शिवम दुबे ने 34 गेंदों पर 48 रनों की पारी खेली। हालांकि शिवम दुबे के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। डेवन कॉनवे ने 30 रनों की पारी जरूर खेली थी। बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से ही चेन्नई सुपर किंग्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को 145 रनों का लक्ष्य ही दे पाई। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस लक्ष्य को बड़ी ही आसानी से हासिल कर लिया। केकेआर की तरफ से रिंकू सिंह और कप्तान नीतीश राणा ने बेहतरीन अर्धशतक जड़े। आपको बता दें, अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम केकेआर को हरा पाती तो ये टीम प्लेऑफ के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आखिरी मुकाबला करो या मरो वाला रहने वाला है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आखिरी मुकाबले में भी हार जाती है तो उसका प्लेऑफ में पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दूसरी तरफ केकेआर की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब केकेआर की टीम आखिरी मुकाबला जीत ले तब भी अधिकतम 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी। केकेआर के खिलाफ मिली हार के बाद जब धोनी का इंटरव्यू लिया गया तो वो काफी ज्यादा भड़के हुए नजर आए। आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि आज के इस मुकाबले में बल्लेबाजों की वजह से हार का सामना करना पड़ा है। धोनी ने कहा कि कहीं ना कहीं उनकी टीम एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाई और इसी वजह से उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि धोनी ने ये भी कहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। धोनी ने कहा कि उनकी टीम आखिरी मुकाबले में जोरदार वापसी करना चाहेगी। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।